विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही सदन में बवाल मच गया। दरअसल कांग्रेस सरकार द्वारा संस्थानों को डी नोटिफाई करने को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। वहीं इस दौरान शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष को संयम रखने की नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि अभी उनके पास अपनी बात रखने के लिए काफी समय है, लेकिन मर्यादा में रहकर ही बयानबाजी करें। नहीं, कैबिनेट तो बन चुकी है ना। कैबिनेट कैबिनेट मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कैबिनेट बन चुकी है। अब तो कैबिनेट की एक्सपेंशन होनी है। तो अगर आप उसको बिल्कुल टेक्निकल टर्म में देखें तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है वो एम्पावर्ड है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, और उसमें कैबिनेट की मोहर भी लग जाती है। इसलिए ये बात तर्कसंगत नहीं है विपक्ष की, मगर उनको विरोध करना है, विरोध करने के लिए विरोध करना है, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। पर जैसा मैंने कहा, आज का दिन उसके लिए शुभ नहीं था। अगले 2-3 दिन से वो करते रहे, हमको उसमें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने भी 5 साल डटकर विरोध किया है, तो वो भी विरोध करे, पर हमने सकारात्मक राजनीति करी। जब सरकार ने कोई अच्छा कार्य किया, हमने उसका समर्थन भी पिछले 5 साल में किया। तो मेरा विपक्ष के साथियों से भी ये निवेदन रहेगा कि अगर अच्छा कार्य कोई हमारी सरकार करती है, जो स्वाभाविक है करेगी ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के नेतृत्व में, तो उसका वो समर्थन भी करे। ये भी मेरा निवेदन जो है वो विपक्ष के साथियों से रहेगा। देखिए, जब उसकी जानकारी मिली उस समय तो उनकी जो दुखद निधन हुआ उसके बारे में मौके पर तो हमको जानकारी नहीं मिली। वहाँ पे तो केवल उनको अस्पताल ले जाने की बात हुई और उनको अस्पताल ले जाया गया, मगर जब तक कार्यक्रम खत्म होने के कगार पे था तब ये जानकारी मिली कि उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में भी उस बात को कहा बाद में कि हमको बड़ा शोक है, हमको बड़ा दुख है इस बात का, और स्वाभाविक है। और मुख्यमंत्री जी जो है अस्पताल भी गए, वहाँ पर जो पार्थिव शरीर है उनके आखिरी दर्शन करने के लिए और उनके परिवार को धासा देने के लिए भी वहाँ पे उपस्थित रहे, और हर सहायता सरकार की ओर से मुहैया करवाने की बात भी कही गई है। तो इस चीज़ पर मैं समझता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत ही दुख का विषय है और इसे उसी संदर्भ से देखने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, धर्मशाला।